फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ और हमें क्या करना है आइडेंटिफाई करना है ऑप्शन का जिसके अंदर करेक्ट सेट ऑफ आंसर यहां पे गिवन है ठीक है किसके लिए ए बी सी एंड डी इनके लिए हमें करेक्ट आंसर को चूज करना है नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की देखेंगे की कांसेप्ट सो so क्वेश्चन को सॉल्व करने का कंसेप्ट क्या है हमारा कि जितने भी हमें यहाँ पे इंट्रेक्शन गिवन है हमें उन सबको ऑब्जर्व करना है पहले की ऑब्जर्व करो भाई कौन सी इंट्रेक्शन दिख रही है आपको लग रहा है उसके बाद उस इंट्रेक्शन को आइडेंटिफाई कर लो और फिर क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हम यहाँ पे क्या गिवन है फर्स्ट हमें गिवन है फिग एंड वॉस्ट फिग एंड वॉस्ट की अगर हम बात करें तो ये क्या है ये हमारा फिग है एक प्लांट है जो एक फ्रूट है अपने आप में और वॉस्ट क्या है इंसेक्ट है तो इन दोनों के बीच में कौन सी इंट्रेक्शन फाउंड होती है यहाँ पर फाउंड होती है एक दूसरे का बेनिफिट कर रही है इस पॉइंट को अभी देख लेते हैं कि अगर बेनिफिट होगा किसी स्पीशीज को तो हम प्लस साइन से उसको इंडिकेट करते हैं बेनिफिट अगर ना बेनिफिट हो रहा ना नुकसान हो रहा तो हम इसे जीरो से इंडिकेट करते हैं नो अफेक्ट करके कि कोई इफेक्ट नहीं हो रहा इस केस के अंदर नो no अफेक्ट

नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या के बने अब यहाँ पे हमें सी एनिमोन कि सी एनिमोन जो है वो किसके साथ म्यूचुअल रिलेशनशिप शो करता है तो किसके साथ करता है ये करता है क्लाउन फिश के साथ किसके साथ क्लाउन फिश के साथ ये म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप शो करते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड करवाते हैं सी एनिमोन क्या करता है ये क्लाउन फिश को प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन ये इसको देता है प्रोटेक्शन देता है और बदले में क्लाउन फिश क्या है ये इसको प्रोवाइड करवाती है फूड जगह जगह जहां जहाँ इसको खाना चाहिए ना वहां वहां पे क्लाउन फिश को लेके घूमती रहती है बिकॉज ये क्या है 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 इसके बैक के ऊपर रेस्ट करता ठीक तो ये हमें फर्स्ट का पता चला कि फर्स्ट का आंसर हमारा लिए एक लिए क्या है फर्स्ट इज क्लाउन फिश क्लाउन फिश हमें पता चल गया इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या गिवन है बी के लिए हमें गिवन है दैट इज बार्स प्लांट्स एंड ग्रास होपर तो पहले आप इसको देखो यहाँ पे क्या गेवन है एक हमें पे गिवन है प्लांट और दूसरा हमें यहाँ पे गिवन है ग्रास होपर ठीक है तो इतना तो मुझे भाई पता है आपको भी पता होगा कि ग्रास होपर प्लांट को खाता नहीं है ग्रास होपर प्लांट को खाता तो नहीं है ये पॉइंट हम जानते हैं बट ग्रास होपर क्या करते हैं प्लांट के अंदर ना बहुत आराम से छिप जाता है बिकॉज इसका कलर कैसा है इसका कलर ही ग्रास जैसा है बिल्कुल ग्रास के अंदर जब ये प्लांट के ग्रास के जहाँ पे स्पेसिफिकली ग्रास प्रेजेंट है तो ये बहुत आराम से छुप जाता है जिसके वजह से इस ग्रास होपर को क्या हो रहा है ये अपने से बचा रहता है इसे क्या मिल रही है प्रेटर से प्रोटेक्शन मिल रही है बलाई ये प्लांट इसके लिए कोई इसने इसको कोई ऐसा स्पेशल ऑर्गन प्रोवाइड नहीं करा पर छुपने में मदद कर रहा है इसकी तो यहाँ पे क्या हो रहा है ग्रास होपर का यहाँ पे फायदा हो रहा है मगर जो प्लांट है ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ ये इसका नो इफेक्ट है तो इस टाइप की एसोसिएशन को हम क्या कहते हैं दिस इज नोन एज कमशियलिज्म क्या कहा जाता है इसे कमर्शियलिज्म कहा जाता है जहां पे एक स्पीशीज़ का फायदा हो रहा है और दूसरे का ना फायदा ना नुकसान सो so, इस टाइप की एसोसिएशन अगर हम बात करें बारने के अंदर तो वो किसके साथ फाउंड होती है ये फाउंड होती है वेल के साथ

नेक्स्ट इज सैक्यूलिना एंड क्रैब ह्यूमन एंड सी तो अगर हम सैक्यूलिना की यहाँ पे बात करें कि भाई सैक्यूलिना क्या होता है सैक्यूलिना सैक्यूलिना अपने आप के अंदर एक पैरासाइट है क्या है ये एक पैरासाइट है और अब हमें जो यहाँ पे नेक्स्ट गिवन है ये है गिवन है हमें क्रैब तो भाई यहाँ पे पैरासाइट किस तरीके से सैक्यूलि क्या है ये क्रैब की बॉडी के ऊपर प्रेजेंट रहती है और इसके इससे क्या कर रही है सारे न्यूट्रेंट ले रही है बेचारे के न्यूट्रेंट ले रही है जो भी ये बना रहा है

ये क्या है प्रिडेटर है कैट खा जाती है माउस को चूहा भाग बिल्ली आई बिल्ली आई छोटे से सुनते आ रहे हैं हम ये पोयम तो ये क्या है प्रिडेटर है माउस की तो ये अपने आप में कैसे एसोसिएशन है दिस इज कि भाई यहाँ पे एक का हो रहा है नुकसान जो यहाँ पे हम देख रहे हैं माउस का हो रहा है यहाँ पे नुकसान उसको खाया जा रहा है बिल्ली का हो रहा है यहाँ पे फायदा और नुकसान भी ये नहीं कि थोड़ा बहुत हो रहा है जैसे के अंदर नुकसान था कम था बट यहाँ पे तो भाई अल्टीमेटली माउस तो मर ही जाएगा अगर खा लिया उसे तो, तो उसको तो डायरेक्ट डेथ वाला केस है